हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वीडियो ऑन सरफेस डिफेक्ट एंड द टॉपिक ऑफ टुडे वीडियो इज ग्रेन बाउंड्री। टुडे वीडियो टॉपिक इज ग्रेन बाउंड्री व्हिच इज आल्सो क्रिएट डिफेक्ट इन क्रिस्टल एंड इट इज टू डायमेंशनल डिफेक्ट दैट इज सरफेस डिफेक्ट। ग्रेन बाउंड्रीज इन ए क्रिस्टल आल्सो प्रोड्यूस डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो ये क्या होती है ग्रेन बाउंड्री, एक्चुअल में होती क्या है, इंटरनल बाउंड्री होती है। क्या होती है, इंटरनल बाउंड्री इनसाइड ए क्रिस्टल। ठीक है, क्या होती है, इंटरनल बाउंड्री होती है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्री को समझने के लिए मान लो, देखो हमने एक सैंपल लिया। ठीक है, कोई एक क्रिस्टल सैंपल लिया, ये सैंपल क्रिस्टल लिया। ठीक है, तो मान लो अगर ये, अगर क्या हो, इसके अंदर ओरिएंटेशन सेम रहे। ठीक है, थ्रू आउट द क्रिस्टल ओरिएंटेशन क्या रहे, सेम रहे, मतलब सभी यूनिट्स क्या रहो, पैरेलल अलाइंड हो, तो उसको तो हम क्या नाम देते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल, है ना। सिंगल क्रिस्टल मतलब सभी पूरे इस पूरे रीजन में ओरिएंटेशन क्या रहे, सेम रहे, कहीं पे ओरिएंटेशन चेंज ना हो, मतलब जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ दिखे, वैसा यहाँ दिखे, हर जगह ओरिएंटेशन क्या रहे, सेम रहे, तब तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो अगर उसके बीच में कोई बाउंड्री आ जाए, ये मान लो कोई एक बाउंड्री है। ठीक है, और कैसा हो कि ये जो बाउंड्री है इसके इस साइड में तो ओरिएंटेशन सेम रहे, एक जैसी रहे, जैसे मान लो इस साइड में जो ओरिएंटेशन है वो कुछ ऐसी हो, इस साइड में जो ओरिएंटेशन है वो मान लो ऐसे है। ठीक है, इस साइड में तो ओरिएंटेशन ऐसी है, और मान लो इस साइड में जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे हो। ठीक है, मतलब कि अगर क्रिस्टल के बीच में कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करे, ठीक है, और एक साइड में ओरिएंटेशन ऐसी है उस बाउंड्री के, और एक साइड में ओरिएंटेशन मान लो कुछ ऐसे है। ठीक है, हो गया, मतलब हमने क्या देखा कि हमने एक क्रिस्टल लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि एक बाउंड्री है, मान लो उस बाउंड्री के एक साइड में तो ओरिएंटेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, मतलब ये बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, इस साइड में ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है, तो मतलब क्या हो गया, लेफ्ट रीजन में ओरिएंटेशन अलग है, राइट रीजन में ओरिएंटेशन अलग है। ठीक है, मतलब कि क्रिस्टल की एक साइड में ओरिएंटेशन एक वे में है, लेकिन दूसरी साइड में ओरिएंटेशन किसी अलग वे में है। ठीक है, तो क्या है कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और पैरामीटर तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या हो गया, इस बाउंड्री के अक्रॉस, है ना, इस बाउंड्री के अक्रॉस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और पैरामीटर इधर से सेम रहेंगे, इधर सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या चेंज हुआ कि ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो इसीलिए ओरिएंटेशन चेंज हो गई, तो इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको मैं थोड़ा डार्क कर ली हूँ। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसकी ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ग्रेन्स। ये ग्रेन फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेन सेकंड हो गया। जब हमने स्टार्टिंग में जब क्रिस्टल्स पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, नाम दिया था ग्रेन्स, है ना। तो ये तो हमने बात की एक सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहे थे, अब अगर हम बात करते हैं पॉली क्रिस्टल की। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉली क्रिस्टल, तो पॉली क्रिस्टल ये क्या है, एक पॉली क्रिस्टल, तो पॉली क्योंकि जो हम जो है डेली लाइफ में जो मोस्टली जो हम प्रीफेस करते हैं, तो ज़्यादातर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉली क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो पॉली क्रिस्टल्स में हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, है ना, पॉली क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल, तो पॉली क्रिस्टल में हमने क्या देखा था कि बहुत सारी क्या होती हैं, ग्रेन्स होती हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स बनाते हैं। तो मान लो मैं ये कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है आपकी ग्रेन बाउंड्रीज हैं, और ये जो ग्रेन बाउंड्री से जो रीजन्स जो होता है आपका एनक्लोज्ड, उसको क्या नाम देते हो आप, ग्रेन नाम देते हो। ठीक है, ये मान लो ये कोई फिगर मैंने बनाई, किसकी बनाई है, ये मैंने एक पॉली क्रिस्टल बनाया है। ठीक है, तो ये सब जो ये बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है इनकी ग्रेन बाउंड्रीज, ये क्या है इसकी ग्रेन बाउंड्रीज हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, इनके अंदर है ये ग्रेन्स। ठीक है, तो
अब देखो क्योंकि हो गया ना डिफेक्ट क्रिएट क्रिस्टल के अंदर, क्यों? क्योंकि भाई देखो क्रिस्टल में तो हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, देखो वैसे तो इस रीजन में तो रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इसमें अलग से है, इसमें अलग से है, लेकिन एज ए होल तो क्या हो गया क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट, क्योंकि पूरे थ्रू आउट तो ओरिएंटेशन क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्रेन बाउंड्रीज भी होती हैं, ये भी क्या क्रिएट करती हैं, क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेन ग्रेन बाउंड्रीज हैं, ईच पेयर ऑफ ग्रेन क्या है, सेपरेट है किससे, ग्रेन बाउंड्रीज से। एक में इसमें ओरिएंटेशन मान लो कुछ ऐसी रहे, इसमें थ्रू आउट ऐसी रहेगी, इसमें ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है, इसमें ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है, इसमें ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है ना। तो हर ग्रेन्स के अंदर ओरिएंटेशन क्या होगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्री के अक्रॉस क्या होती है, हमारे पास ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, और इस ओरिएंटेशन को में जो चेंज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशन से। देखो ये जस्ट क्या है, किसी एंगल से रोटेट है, और एंगल से क्या है, जस्ट रोटेट है, और एंगल ये क्या हो रही है, किसी एंगल से रोटेट हो रही है। ठीक है, किसके अक्रॉस, इस ग्रेन बाउंड्री के अक्रॉस। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्रीज कैसी बाउंड्री होती हैं, रोटेशन बाउंड्रीज होती हैं। कैसे होती हैं, रोटेशन। ठीक है, और जो हमने पढ़ी थी कौन सी, टिल्ट कौन सी वाली पढ़ी थी हमने, ट्विन पढ़ी थी शायद, है ना, वो कौन सी थी आपकी, ट्रांसलेशन कौन सी वाली थी, स्टकिंग, स्टैकिंग फॉल्ट जो था वो कैसी बाउंड्री थी, ट्रांसलेशन बाउंड्री थी। तो आपकी जो ग्रेन बाउंड्री है वो कैसी है, आपकी एक रोटेशन बाउंड्री है। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि ग्रेन बाउंड्री के अंदर क्या होता है, एक तरफ तो क्या होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमेट्रिक, दूसरी तरफ तो अलग से। ठीक है, तो ये क्या करती है, सेपरेट करती है। तो अगर हमें पेपर में लिख के आना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ग्रेन बाउंड्रीज आर द सर्फेस इम्परफेक्शन, ग्रेन बाउंड्रीज आर दोज सर्फेस इम्परफेक्शन, सरफेस इम्परफेक्शन या सरफेस डिफेक्ट, दो सरफेस इम्परफेक्शंस विच सेपरेट, विच सेपरेट जो क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं क्रिस्टल और ग्रेन्स, क्रिस्टल को या फिर क्रिस्टल के अंदर क्या बनते हैं, ग्रेन्स बनते हैं, और ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन, क्योंकि हर ग्रेन की ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट, ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन ए पॉली क्रिस्टेलाइन, इन ए पॉली क्रिस्टेलाइन। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, किसके दौरान, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, द शेप ऑफ द ग्रेन क्या होती है, एक ग्रेन की शेप दूसरे के इन्फ्लुएंस से इफेक्ट होती है। ठीक है, तो लिखोगे द शेप ऑफ द ग्रेन इज यूजुअली, ग्रेन इज यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड, यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग, द प्रेजेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग ग्रेन। ठीक है, उसके बाद जो होती है इसमें क्या होता है, बाउंड्री जो होती है टू रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स में, ठीक है, एक की ओरिएंटेशन अलग होती है, इसकी कुछ ओरिएंटेशन अलग होती है, वो लिख दिया हमने, सेप ऐसे होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या लिखोगे, ग्रेन ऑन वन बाउंड्री, ग्रेन ऑन वन साइड, ग्रेन ऑन वन साइड ऑफ बाउंड्री, ऑफ बाउंड्री इज रोटेटेड विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू द ग्रेन ऑन द अदर साइड, द ग्रेन ऑन द अदर साइड। ठीक है, ऑफ द बाउंड्री, ऑफ द बाउंड्री। सो क्या होता है वहाँ पे, सो देयर इज रोटेशन, सो देयर इज ए रोटेशन, एंड रोटेशन इज, एंड रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करोगे, एंड द रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट की जाती है रोटेशन को, बाय एंड रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस और किससे, एंड रोटेशन एंगल,
एंड रोटेशन एंगल से। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, अब देखो, एक तो रोटेशन एक्सिस और एक रोटेशन एंगल, इसके बेस पे ग्रेन बाउंड्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इनके बेस पे क्या करते हैं, हम ग्रेन बाउंड्री को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। इसके बेस पे आपकी जो ग्रेन बाउंड्री होती है वो दो होती हैं, कौन सी, एक तो होती है आपकी स्मॉल एंगल बाउंड्री, स्मॉल एंगल बाउंड्री, और एक आपकी होती है लार्ज एंगल बाउंड्री, लार्ज एंगल बाउंड्री। ठीक है, स्मॉल एंगल मतलब लेस देन थीटा की वैल्यू जो होगी 5 to 10 degree तक से कम ही रहेगी, 5 से कम या फिर 10 से कम। ठीक है, दूसरा आता है किसके बेस्ड पे, दूसरी होती है आपकी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द रोटेशन एक्सिस, ऑफ द रोटेशन एक्सिस की रिलेशनशिप किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू बाउंड्री प्लेन, विद रेस्पेक्ट टू बाउंड्री प्लेन। ठीक है, इसके बेस पे भी आपकी दो होती हैं, एक तो होती है आपकी टिल्ट बाउंड, मतलब पहली जो होती है वो होती है अगर इफ रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस क्या हो, इज पैरेलल टू, पैरेलल हो किसके, बाउंड्री प्लेन के, पैरेलल टू बाउंड्री प्लेन। और दूसरी क्या होती है, इफ आपकी रोटेशन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री प्लेन। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेन बाउंड्री। अब देखो, ग्रेन बाउंड्री से हमने कहा था एक और होता है टिल्ट बाउंड्री, है ना, तो देखो टिल्ट बाउंड्री इसी से, टिल्ट बाउंड्री क्या होती है, देखो अगर आपकी पैरेलल है तो उसको नाम देते हैं हम टिल्ट बाउंड्री, और अगर आपकी परपेंडिकुलर है तो उसको नाम देते हैं हम ट्विस्ट बाउंड्री। ठीक है, तो टिल्ट बाउंड्री में क्या होता है, टिल्ट बाउंड्री में आपका क्या होता है, एक तो स्मॉल एंगल रोटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, स्मॉल एंगल रोटेशन होता है। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री रहेगी पहला, और दूसरा क्या होता है, आपकी जो रोटेशन एक्सिस है वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, बाउंड्री प्लेन के, बाउंड्री प्लेन के। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप की ग्रेन बाउंड्री है जिसमें कंडीशन हो गई कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और रोटेशन एक्सिस क्या रहती है आपकी, पैरेलल होती है किसके, प्लेन बाउंड्री के। ठीक है, बाउंड्री प्लेन के। ठीक है भाई, तो ये हालांकि आपकी बुक में है भी टिल्ट बाउंड्री का, अगर थोड़ा सा लिखना चाहो एक्स्ट्रा तो लिख लेना, क्या लिखोगे कि टिल्ट बाउंड्री इज एनोदर टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, लो एंगल बाउंड्री या स्मॉल एंगल बाउंड्री, क्यों, एज द ओरिएंटेशन जो होता है इज लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिखा दोगे कि इसमें क्या होता है, रोटेशन एक्सिस क्या होती है, पैरेलल होती है प्लेन बाउंड्री के। ठीक है, और जो एंगल ऑफ टिल्ट, एंगल ऑफ टिल्ट थीटा जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका बी अपॉन कैपिटल डी, थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ टिल्ट। ठीक है, वेयर, जहाँ पे आपकी बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बर्गर वेक्टर, बी तो आपको पता है, पढ़ चुके हैं आप, मैग्नीट्यूड होता है किसका, बर्गर वेक्टर का। ठीक है, और जो कैपिटल डी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन डिसलोकेशन, क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन डिसलोकेशंस। ठीक है भाई, तो टिल्ट बाउंड्री के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, अनदर टाइप ऑफ सरफेस इम्परफेक्शन है, इसको स्मॉल एंगल बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन जो होती है वो क्या होती है, रोटेशन जो होता है वो लेस देन 10 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो है रोटेशन एक्सिस पैरेलल होती है। ठीक है, फिर आपका जो टिल्ट एंगल है वो कैसे दिया जाता है, बी बाय डी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिफेक्ट्स क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई।